जब बातचीत के लिए टाइम दिया था तब वो हमारे से बातचीत के लिए मुखर गई। हम एक दिन पहले बताते कि हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसके विरोध में हमने बीजेपी के जितने मंत्री एमएलए सबको कल उनके वहाँ आवास पे मांग पत्र दिए, उनसे कारण पूछा कि उनसे बात क्यों टाल दी गई। इसके विरोध में हमारे अंबाड़ा के आशा वर्करों को सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने बीच रास्ते में से उठा लिया, बातचीत नहीं करने दी, बीच रास्ते में गिरफ्तार किया। इसके विरोध में आज हम यहाँ सभी एसपीओ को पूरे हरियाणा में आज मांग पत्र देंगे और उनसे कहेंगे कि जिस प्रशासन ने हमारे आशा वर्करों के साथ अन्याय किया है तो उन एसपीओ को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हमने ये कहा था कि सरकार हमें 4,000 रुपए देती है, इस महंगाई के टाइम में 4,000 में गुजारा होता है कि सरकार हमें जीने लायक हमारा मान दे दे दे, और सरकार सभी काम हमारे आशाओं से ही ले जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी आशाओं से ले रही है, फील्ड का काम भी आशाओं से ले रही है, दवाई टी का काम भी आशाओं से ले रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जिस पर्पज से हमारे आशा वर्कर लगाई वे काम हमारे पीछे छूट गया। हमारे आशाओं को लगाया था जच्चा बच्चा के लिए, देखभाल के लिए, टीकाकरण के लिए, और हमसे वे टाइम हमारा पीछे छूट गया। कभी दिव्यांगों की सर्वे दे दी, कभी विकलांगों की सर्टिफिकेट बढ़वाओ, कभी कह दिया आयुष्मान कार्ड बनवाओ, कभी कभी फैमिली आइटम ठीक करो, वेरी इन्फेक्शन करवाओ, वोट कार्ड मास्टरों के साथ बैठ के पढ़वाओ। अगर हम इन कामों में लग जाएंगे तो हम जो हमारे जो मेन काम है वो हमारे सारे छूट जाते हैं। ऐसा है कि हमारी हड़ताल 8 अगस्त से जारी है। हमने सरकार को टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हमारे एमएलए इनके माध्यम से कई कई बार ज्ञापन दिए हैं, अपने सीएमओ को ज्ञापन दिए हैं कि भाई हमारे ऊपर काम का वर्णन ज्यादा है लेकिन हमें मेहनताना कुछ नहीं मिलता। आज इस दौरान में अगर एक मजदूर को लेने जाओ ना, वो पहले 500 रुपए मांगता है एक दिन का, और जबकि सरकार ने खुद तय किया है कि आशा वर्कर का एक दिन का 129 रुपए है। क्या ये लोग 129 रुपए में अपना गुजारा कर पाएंगे जो हम करें? हमारी सरकार से मांग क्या लो, धमकी क्या लो, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, हमारा गुजारा जब भी ना हो रहा, जब भी ना हो रहा। हरियाणा में आशा वर्कर का गुस्सा इन दिनों उबाल पर है। गुस्सा ही आशा वर्कर अब सड़कों पर उतर आई है। हरियाणा में 2 आशा वर्कर की मौत और कई जगह आशा वर्कर की गिरफ्तारी को लेकर नूह जिले की सैकड़ों आशा वर्कर अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा परिसर में पिछले कई दिन से हड़ताल पर बैठी हुई है। गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर गांधी पार्क नूह में एकत्रित हुई और वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर भीषण गर्मी के में बैनर व पोस्टर लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करती हुई लघु सचिवालय नूह तक पहुंची। आशा वर्करों ने इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा वर्कर ने सिटी SHO ओमबिर के माध्यम से DGP हरियाणा को मांग पत्र भेजा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीटू नेता व आशा वर्कर यूनियन से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि पुलिस के दमनकारी कार्रवाई को रोका जाए। उन्होंने कहा कि गत 28 अगस्त को 2 आशा वर्कर प्रदर्शन में घायल हो गई थी, उनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद 13 सितंबर को भी आशा वर्करों को गिरफ्तार कर दिया गया। महिलाओं का कहना है कि पुलिस हिरासत में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, इसे बंद किया जाना चाहिए। आक्रोशित आशा वर्कर ने कहा कि गत 28 अगस्त को महिलाओं को गिरफ्तार करके बसों में सारे दिन घुमाया गया, महिलाओं पर बल प्रयोग किया गया, पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाई। जुलूस निकाल रही आशा वर्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, महिलाओं के घरों के बाहर पुलिस बैठा दी गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके बसों में सारा दिन घुमाया गया, पीने का पानी तक नहीं दिया गया और महिलाओं को सोच तक करने के लिए बसों को नहीं रोका गया। आशा वर्कर ने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उनका कहना है कि जिले की 1140 आशा वर्कर तथा पूरे प्रदेश में 22,000 आशा वर्कर इस समय हड़ताल पर है। जब तक उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।